अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ये हमारा पार्ट फोर्थ है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपने टिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है उस कौन सा टर्म है? ई लर्निंग है, ऑप्शन ए ई लर्निंग है, ऑप्शन बी ई मेल है, ऑप्शन सी ई कॉमर्स है, ऑप्शन डी ई ट्रॉड है। कौन सा है? ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग जो है ऑप्शन ए ई लर्निंग हमारा राइट क्वेश्चन है, ठीक है। द इंटरनेट हेल्प पीपल ग्रो, इंटरनेट जो है लोगों की किस चीज़ ग्रो करने के लिए किस चीज़ में मदद करता है? सोशली, ऑप्शन ए सोशली, ऑप्शन बी पॉलिटिकली, ऑप्शन सी इकोनॉमिकली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सोशली हेल्प करते हैं कि पॉलिटिकली हेल्प करते हैं कि इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इंटरनेट जो है वो लोगों को हर चीज़ में मदद करते हैं, पॉलिटिकली में भी करते हैं, सोशली में भी, इकोनॉमिकली भी। तो राइट ऑप्शन हमारा है डी, ठीक है। डी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी यूज़र चैट सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू गैदर ऑन चैनल्स ए रूम। कौन सा एक जो है वो मल्टी यूज़र्स जो सिस्टम जो है वो लोग यूज़ करते हैं गैदरिंग ऑन चैनल रूम्स? कौन सा चैनल है? ऑप्शन ए MSN, ऑप्शन बी ICQ, ऑप्शन सी GSM, ऑप्शन डी ICR। लोग जहाँ पे मल्टी यूज़र्स जो है वो वहाँ पे उस सिस्टम पे चैट करते हैं, ठीक है, गैदरिंग चैनल्स और रूम्स में, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है हमारा डी आई सी आर, ठीक है। इस तरह डब्बे में आपने टिक करना है। ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेज टू मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में हम कौन सा जो मैसेज मोबाइल में कौन मैसेज सेंड करने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए SMS, ऑप्शन बी MSN, ऑप्शन सी GSM, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जिससे हम कौन सा एक वो चीज़ है जिससे हम यूज़ करके मैसेज मोबाइल से मैसेज सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं? कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए SMS, ठीक है। डिब्बे में टिक किया। फिफ्थ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड ऑनलाइन गैदरिंग। ऑनलाइन गैदरिंग जो सेंड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को हम ऑनलाइन ग्रीटिंग्स सेंड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी ई ग्रीटिंग, ऑप्शन सी ICR, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी ई ग्रीटिंग, ठीक है, ऑप्शन बी। इसी तरह नीचे है आपका ट्रू फॉल्स। राइट T for true and F for false for the following statement। जो सही ऑप्शन होगा उसके लिए आपने ट्रू के लिए आपने T लिखना है, जो गलत होगा फॉल्स होगा उसके लिए आपने F लिखना है, ठीक है, उस स्टेटमेंट के लिए आपने F लिखना है। पहला है हमारा, डिस्टेंस एजुकेशन बिकम्स एजर्स एंड एफोर्डेबल विद द यूजेस ऑफ इंटरनेट। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं लोगों को एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए। क्या ये सही है? सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है, पहला हमारा ट्रू है। दूसरा है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज।
ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है? नहीं, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मैसेज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, आई एम इज एज टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर कंजर्वेशन इन रियल टाइम बिटवीन टू आवर मोर अमंग मोर पीपल्स। आई एम टेक्स्ट के बेस पे कंप्यूटर जो है लोगों को, दो या दो से ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक रियल टाइम पे। क्या ये सही है? तो ये हमारा ये सही है। ठीक है, इंटरनेट पे हम लोग जो है वो एक दूसरे के बीच में वो कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। तीसरा हमारा क्या है? ट्रू है। फोर्थ है हमारे पास GSM, स्टैंड फॉर ग्लोबल सर्विस फॉर मैसेज। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सर्विस फॉर मैसेज है? नहीं है, गलत है, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ हमारा फॉल्स है, इसका सही है ग्लोबल सिस्टम फॉर मैसेज। ठीक है, फिफ्थ है सर्च इंजन्स आर यूज टू सर्च रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन जो है वो हम यूज़ करते हैं हमारे इंटरनेट पे हमारी इंफॉर्मेशंस को रिक्वायर्ड करने के लिए। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। फिफ्थ हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्या है हमारा? चॉइस अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है उसको चॉइस करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास डैश डैश इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। डैश डैश जो है हमारी दुनिया दुनिया की सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट इज ए नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मीन दैट कनेक्ट द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो कि सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। दूसरा है हमारा ईमेल इज द डैश डैश ऑफ मैसेजेस ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ईमेल जो है वो डैश डैश ऑफ मैसेज है जो कि नेटवर्क के कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्या है हमारा? ईमेल इज द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मैसेज है जो कि नेटवर्क पे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तीसरा है आपके पास डैश डैश इज ए टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर कंजर्वेशन इन रियल टाइम बिटवीन टू आवर मोर पीपल्स। किसके बेस पे लोग जो है आपस में उनके बीच में कम्युनिकेट होता है एक रियल टाइम पे? तो थर्ड हमारा है आई एम, आई एम के थ्रू, आई एम की बेस पे कंप्यूटर कंजर्वेशन होता है एक रियल टाइम पे, जो कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें क्या आएगा? थर्ड में आई एम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फोर्थ डैश डैश कार्ड्स आर बोथ फ्री एंड पेड। कौन सा जो है वो कार्ड्स जो है फ्री और पेड है? फ्री और पेड कौन सा है? फोर्थ ई ग्रीटिंग। ठीक है, फोर्थ में ई ग्रीटिंग आएगा। फिफ्थ है हमारे पास डैश डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर द कम्युनिकेट नेटवर्क। कौन सा ट्रांसमिशन मैसेज है जो कि नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन करते हैं? तो कौन सा है हमारा? ईमेल। ठीक है, ईमेल। ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। दोबारा से बताती हूँ, पहले में आएगा इंटरनेट, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ट्रांसमिशन। तीसरे में आएगा आई एम। फिर फोर्थ में आएगा ई ग्रीटिंग और फिफ्थ में ईमेल। ठीक है, ट्रू फॉल्स। पहला हमारा ट्रू है, दूसरा हमारा फॉल्स है, फिर तीसरा हमारा ट्रू है, चौथा हमारा फॉल्स है, फिर फोर्थ हमारा ट्रू है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। पहला जो है, पहले का जो है वो हमारा ई है,
ए वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दूसरे का हमारा है ऑल ऑफ दिस डी, ठीक है। तीसरे का ICRD, ठीक है। फिर चौथे का SMS, ए ए SMS, ठीक है। फिर पांचवा है हमारे पास बी ई ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।